देखते रिवेन जीरो एट न्यूज ब्यौरा फेरो फिटनेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 23 जुलाई 2019 मंगलवार को बार को फिटी ब्यौरा जिला राजगढ़ के निवासी डॉक्टर रूप सिंह धनगर जो कि एक ज्योतिषी भी हैं उनसे एक मुलाकात की गई। डॉक्टर साहब के पड़ोसियों और राहगीरों ने बताया कि विगत 8-10 महीनों से गाय और पेड़ पौधों गार्डन के लिए अपने निजी ट्यूबवेल से निःशुल्क जल सेवा दे रहे हैं। गाय के पीने के लिए पानी की टंकी में नियमित पानी डालते रहते हैं एवं डॉक्टर साहब के घर के सामने 2 मटकों का प्याऊ भी लगा है। इन प्याऊ को डॉक्टर साहब 4-5 बार पानी में भरते रहते हैं। उनके घर पर पानी लेने वालों को कभी भी खाली कैन लेकर नहीं जाने देते, हमेशा पानी देते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। ताज़ा खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। आप तो पानी भर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब यहाँ पे पानी की सेवा कर देते हैं सब लोगों को? हाँ, सबको देते हैं, नहीं खूब अच्छी सेवा देते हैं, खूब पानी गैया को भी सेवा देते हैं, आते जातों को भी सेवा देते हैं और हम भी पूरी वार को सिटी का पानी देते हैं, सबको अच्छे से पानी पिलाते हैं। अच्छा, आप कोई भी व्यक्ति आ जाता तो ये तुरंत ये पानी भर देते हैं यहाँ पर? हाँ, आनाकानी नहीं करते कुछ भी? हाँ, और केन एक की भी खाली नहीं जाती है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह उमट। कहाँ पे रहते हैं? बारको सिटी ब्यावरा। अच्छा, आपके बारको सिटी में डॉक्टर साहब ने गायों के लिए और लोगों के पीने के पानी की पूरी निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है अपने पर्सनल ट्यूबवेल से? हाँ। तो आप क्या कहना इनके बारे में आपका? नहीं, वो तो सेवा कर ही रहे हैं गाय वगैरह की और पूरी कॉलोनी में पानी पिला रहे हैं सभी को, जब भी जाओ किसी से मने नहीं, मतलब भले चाहे आप रात के 8 बजे जाओ, पूरा दिन पानी ले जाते हैं कॉलोनी वाले गाय के लिए, मतलब टेलर वो दिन में 3-4 बार भरते जरिए। अच्छा साहब, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल जो निःशुल्क? क्या नाम है आपका? सिमरन धन्य। अच्छा, ये आपके पति यहाँ पर गायों के लिए बिल्कुल समर्पित है, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, लोगों के लिए फ्री पानी की व्यवस्था करते हैं, तो आप इनका कैसे क्या सहयोग देते हैं आप इनका? बहुत अच्छा लगता है कि गायों की सेवा करते हैं। अच्छा, ये बाजार वगैरह में कहीं रहते हैं तो फिर पानी की व्यवस्था आप करते हो यहाँ पर? फिर आप ये ट्यूबवेल चालू करके आप पानी चालू करके केन, कोई एक केन लेके भी आ जाता तो मैं भर देती हूँ। हाँ, मतलब यदि मटके वगैरह सब भर देती हूँ। मतलब ये यदि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है तो आप सेवा के लिए तत्पर हैं, कोई भी यदि आता है यहाँ पर। क्या नाम है साहब आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर रूप सिंह धनगर C7 बारको सिटी ब्यावरा से हूँ सर। क्या आप गायों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, भूखी प्यासी गायें आती हैं उनको पानी पिलाता हूँ, दिन में 4-5 बार ठेल भरता हूँ, खाली कभी नहीं रहने देता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने बताया कि आपने अपने निजी ट्यूबवेल से आप पार्क को भी पानी देते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं? जी सर, वार्को के पार्क में 15 दिन में या 8 दिन में हर बार मैंने पानी दिया सर, बिल्कुल पौधों को तर बतर रखा सर, गीला रखा बिल्कुल, और सूखने पर तुरंत उनको पानी दिया, और वार्को का गार्डन बिल्कुल पूरी भरी गर्मी में जून में भी सर हरा भरा ही रहा, और अभी अच्छे से फूल खिल रहे हैं सर। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि आपने मटके रख रखे और अच्छा ठंडा पानी भर रखा, तो आने आने लोगों के लिए आपने पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी? जी सर, मैंने मेरे निजी ट्यूबवेल से सर पानी देता हूँ, और एक लोहे का अच्छा सा स्टैंड बनवाया, उस पर 2 मटके रखे टाट से ढककर, और 4-5 बार उनको भी सर मैं अपनी निजी ट्यूबवेल से उनको भरता हूँ सर। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि अपन को जल सेवा करनी चाहिए? सर, मेरे मन में ऐसा आया कि जैसे गायों के लिए लोग पानी कहीं से भी मांग कर लेकर आ जाते हैं, गाय अपने मुंह से नहीं मांगती सर, भूखी प्यासी गाँव, मेरा मकान का काम चल रहा था, अचानक गायें उसमें आकर भिड़ गई सर पानी से, तो मुझे मेरे मन में ऐसा आया कि गायें बहुत प्यासी रहती है, उनको क्यों नहीं मैं पानी पिलाऊँ, तो ऐसे मेरे मन में आया सर। ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके सर।